चमोली में नगर पंचायत पोखरी गुनियाला गांव के नीचे हरे भरे जंगल में बनाए जा रहे कूड़ा निस्तारण केंद्र को लेकर ग्रामीण और नगर पंचायत के बीच विरोध जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि जहां नगर पंचायत पोखरी कूड़ा निस्तारण केंद्र बना रही है, वहां पर ग्रामीणों का पौराणिक घाट और 5,000 से ज्यादा पेड़ है। साथ ही नगर पंचायत को डंपिंग जोन के लिए दूसरा स्थान दिया जा रहा है, लेकिन नगर पंचायत मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं पूरे मामले को लेकर नगर पंचायत पोखरी के अधिशासी अधिकारी संजय रावत का कहना है कि ग्रामीणों से बात नहीं बन पाई है, वे कल से एक बार फिर से काम शुरू करेंगे। अब देखना होगा कि कब तक ग्रामीणों का नगर पंचायत के खिलाफ विरोध जारी रहेगा। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। सर, यहाँ पे अभी तो विरोध ही चल रहा है और सभी का यही यही मानना है, एक ही आवाज है कि यह जो यहाँ पे कूड़ा निस्तारण का वो रखा गया है प्रस्ताव, वो नहीं बनना चाहिए। और सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारे गांव के पास यह नहीं बनना चाहिए। एक तरफ स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छता और पर्यावरण की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये लोग यही गांव के पास में कूड़ादान बनवाने की बात कर रहे हैं। इसलिए हमारी जमीन है और हम नहीं देना चाहते, वहाँ हम कूड़ादान बनाने नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे पेड़ लगा रखे हैं और वहाँ पे हमारा चारागाह भी है, लकड़ी खास सब कुछ वहीं पे। हर हम पूरे ग्राम सभा की यही सहमति है कि हम तो जमीन नहीं देना चाहते हैं, उसके बदले में हम और जगह देना चाहते हैं या वो और जगह बनाए, पर लेकिन हम वहाँ पे जमीन देना नहीं चाहते हैं। भाजपा का नतीजा कुछ नहीं निकला, गांव वाले अपनी सहमत से दूसरी जगह घूम के निकलने तैयार है, लेकिन तहसील और नगर पंचायत जो है वो अपनी हट धर्म का, वो तो ये चाह रहे हैं कि वो तो रियासत का जैसा लागू नियम लागू करे, जो हमने कर दिया। गांव वाले कह रहे हैं कि हम दूसरी जगह जहाँ पर हमारी मतलब जंगल का नुकसान उतना ज्यादा ना हो, कम से कम नुकसान हो, वहाँ पर देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासन की क्या मर्जी कि हम पुलिस आएगी काम चालू करेंगे। आज बताओ इस प्रजातंत्र में भी हमें उसी हिसाब की चलना पड़ा है। यहाँ पे तैयार है और हमने बता दिया है कि वो भूमि हमारे नाम है और उसी पे ये कार्य कल से प्रारंभ करा दिया जाएगा। तो हमने जो सरपंच है यहाँ पे उनको भी बताया, अगर उनके साथ कोई महिला है तो वो पेड़ शिफ्ट कर दे हमारे देख रेख में पेड़ शिफ्ट होंगे, और कल से वही नियमानुसार जो भी कार्रवाई की वो कारण प्रारंभ करा दिया।